लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वाह वाह, इसे कहते हैं गाना। अच्छा गा लेता है यार तू। मेरे लिए तो बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, सब तू ही। अरे नहीं, ऐसे मत बोल। क्यों? अरे अभी तो लोग सिर्फ मुझे तेरा चमचा बोलते हैं, अगर ये सब कुछ सुनेंगे तो तुझे मेरा चमचा बोलेंगे। अरे बोलने दो यार, तेरा चमचा बोलते हैं ना, किसी के बाप का तो नहीं। लेकिन एक बात बोलूं, हां तू सिंगर हो जा, ठीक है? तो फिर तू तबलची हो जा। साथ रहने का ये एक तरीका है कि मैं गाना गाऊं और तू तबला बजाए। अरे तबला तो मैं अभी भी बजा सकता हूं। अच्छा, सिर्फ ये कि ताल पे नहीं बजता साला। हेलो जी, बॉम्बे से फोन है दिखी के लिए। हाँ, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, वन सेकंड। हेलो, हाँ हाँ दुतिया साहब बोलिए। व्हाट, कब हुआ था? तो उसी दिन फोन क्यों नहीं किया? क्यों हुआ था? लेट अभी कैसे तबीयत है पिताजी? क्या हुआ पिताजी? हाँ मैं आता हूँ। हाँ मैं आता हूँ। क्या हुआ रे? क्या हुआ पिताजी को? दिस ब्लडी मैनेजर, ही इज अ 3 दिन हुए पिताजी को हार्ट अटैक हुए, आज खबर करता है, कहता पिताजी ने मना किया था। साला इडियट, बाप किसका, मेरा या उसका? समझ रहा, एयरपोर्ट फोन कर यार। देखिए ए, तू फिक्र मत कर यार, अपना दोस्त है ना ओमी, मैं अभी चक्कर चला। डैडी कैसे हैं आप? अच्छे, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम परेशान हो जाते हैं इसलिए तुम्हें बताने को मना किया था। ये बात तो 10 दिन पहले की। दस? What's all this? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये 10 दिन पहले की बात है और मुझे खबर आज मिली। इट वॉज माइनर रिलेटेड, और तुम खबर सुनकर करते भी क्या? अगर ऐसा ही था तो फिर आज भी बुलाने की क्या जरूरत थी? अबे दूतिया ने ये क्यों कहा कि कल हुआ है? इडियट, सिट डाउन माय डियर बॉय, डोंट गेट एक्साइटेड। डॉक्टर्स का कहना है कि हार्ट अटैक के कई कारण होते हैं, उनमें से एक होता है एक्साइटमेंट। सुनो, तुम जरा अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लो। मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। देन वेयर हैव योर मैनर्स गॉन? आयो निशा को विश्तक नहीं किया? हेलो निशा। हेलो विकी। पिताजी कैसे हैं? वो अच्छे हैं। एंड हाउ यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। बस हो गया? और क्या बोलूं? अभी अभी सोशलिज्म, कम्युनिज्म, पॉलिटिक्स पर इसका लेक्चर शुरू हो जाएगा। सोशलिज्म की बातें तुम्हें बहुत बुरी लगती है ना विकी? हाँ, खासकर एक करोड़पति की बेटी के मुंह से। मेरी करोड़ों से अगर सोशलिज्म आ जाए तो मैं जरूर दे दूंगी, मगर सोशलिज्म तो एक सिस्टम है। देखा आपने लेक्चर शुरू। मगर निशा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम अपनी करोड़ क्यों दें भाई? ईश्वर ने कुछ को दिमाग दिया है, कुछ को शक्ति, सबको एक जैसा तो नहीं बनाया। करेक्ट, जवाब दो। अंकल, विकी एकदम नहीं बदला। कौन विकी? अरे मैं सोमू बोल रहा हूँ। पिताजी की तबीयत कैसी है? डरने की तो कोई बात नहीं ना? ना ना, फिक्र की कोई बात नहीं है। आउट ऑफ डेंजर? हाँ सब ठीक है। ए, तू कब लौटेगा? तेरे बगैर तो दिल्ली एकदम जेल लगती है यार। बस मैं 2-4 रोज में आ रहा हूँ। अरे सोमू, यहाँ से कुछ चाहिए? माँ से पूछ के फोन कर देना। अच्छा यार, सोच के देखा कि इसके बारे में सोचना ही बड़ा मुश्किल है। मतलब सोचने गया तो सोच नहीं सका। क्या? यही कि फैसला। अच्छा डैड, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों के ही तरफ रहूं? मैं भी यही सोच रहा हूं। हालांकि मेरा अटैक एकदम मामूली था, फिर भी इन स्टूपिड डॉक्टर्स ने 2 महीने तक ऑफिस जाने से मना कर दिया। अब जब तक मैं ऑफिस नहीं जाता तुम ये क्या कह रहे हैं डैड? मैं वहां क्या करूंगा? बिजनेस के बारे में मुझे क्या मालूम? 2 दिन में वो लोग समझ जाएंगे कि मैं एकदम बेवकूफ। 2 दिन? क्या आपका स्टाफ इतना बुद्धू है? विकी, जब मेरे बाबूजी ने मुझे बिजनेस के लिए सबसे पहले कहा था ना, तब मैंने भी यही जवाब दिया था। पर कुछ दिनों में पता चला कि बिजनेस तो बहुत मजेदार चीज है। आई एम श्योर
साथ ही दोनों में तुम्हें भी पता चल जाए। नहीं, इन तिलों से तेल नहीं निकलने वाला। अच्छा अच्छा, कल से ऑफिस जाओ। और सुनो, बोर होने लगो तो इस फोटो को देख के सोचना कि इन्होंने 200 रुपए से बिजनेस शुरू किया था। वाह, सिर्फ 200 रुपए? ग्रेट मैन। विक्रम बाबू। द्वितीय साहब, मेरे दादाजी की शक्ल माओ से तुमसे नहीं मिलती। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर साइन कर देते। क्यों ये? मैं क्यों साइन करूं? पहले तो मैंने कभी साइन नहीं किया। अब आप ही किया करेंगे, आप मिलकर पार्टनर हैं। ओ, मेरे और पार्टनर कौन है? जी, आपके दूसरे पार्टनर आपके पिताजी। अच्छा अच्छा, तो मैं जरा अपने पार्टनर से बात करूं। हाँ हाँ, जरूर बात कीजिए। गिव मी माय रेजिडेंस प्लीज। डैड, विकी, डैड, ये दूतिया साहब कुछ पेपर्स लाए हैं साइन करने के लिए, साइन कर दूं? जरूर करो बेटे, लेकिन एक बात याद रखना, बिना पढ़े कभी किसी कागज पर दस्तखत मत करना। लेकिन ये तो बहुत सारे पेपर्स हैं डैड, इतने सब पढ़ने पड़ेंगे। कॉलेज में कभी नहीं पढ़े, अब तो पढ़ो। ओके डैड, फंसा दिया डैड ने। ये तो हथकड़ियां पहनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। कहाँ साइन करना? जी यहाँ। आपने इसे चेक कर लिया? मैंने अच्छी तरह चेक किया। तो मैं साइन कर दूं? जी। जल्दी बुलाओ, ने बाहर को खड़ा कर दिया। कौन है विपिन लाल? जी, अपने यहाँ डिस्पैच क्लर्क है। और डिस्पैच क्लर्क? तो फिर इतना घबराने की क्या जरूरत है? नमस्ते दुतिया। नमस्ते विपिन लाल जी, आइए बैठिए बैठिए। दुतिया साहब, वो बबन के केस का अभी तक फैसला नहीं हुआ। दो एक दिन में हो जाएगा विपिन लाल जी। दो महीने से आप दो एक दिन कर रहे हैं, ये भी कोई तरीका है? कल तक फैसला हो जाना चाहिए, नहीं तो। ये बबन कौन है? जी, वो अपनी मिल का वर्कर है, उसका हाथ आ गया था मशीन में, उसी का मुआवजा यूनियन मांग रही है। हाथ किसने दिया था मशीन में? जी, मशीन में हाथ मैंने दिया था या आपने दिया था? मुआवजा किस चीज का? देखिए, हाथ उसने भी नहीं दिया था मशीन में, आप मालिक हैं, इसलिए आपका फर्ज है। मेरा फर्ज क्या है? मुझे मत सिखाइए। पिछले दो महीने से यूनियन दरखास्त कर रही है, आप उसके मुआवजे का फैसला कर दीजिए। एक तो भीख चाहिए, वो भी धमकी से। धमकी नहीं, चेतावनी, वार्निंग। हाँ, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। ये आपने क्या किया विक्रम बाबू? क्या किया? विपिन लाल जी यूनियन के लीडर हैं। तो क्या हुआ? यू कांट बैग एट द पॉइंट ऑफ अ गन। नौकर को नौकर ही रहने दीजिए, सर पर उठाने की कोई जरूरत नहीं। सर पर उठाने की बात नहीं विक्रम बाबू, वो लोग अभी स्ट्राइक कर देंगे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं किया विक्की, तुम जोश जोश में बेवकूफी कर बैठे। बेवकूफी? एक मामूली सा क्लर्क आके धमकी दे जा और आप? विक्की, बिजनेस में जोश और गुस्से से काम नहीं चलता, ये वो जद्दोजहद है जो सदियों से इन दोनों कौमों में होती आ रही है और होती रहेगी। इसे जीतने के लिए तुम्हें रोज नए नए उपाय सोचने होंगे, नए नए रास्ते निकालने होंगे, और यही है असली चैलेंज। अगर तुम अकलमंद हो तो उनसे काम भी लेते रहोगे और उन्हें एक नहीं होने दोगे। इट्स अ वेरी थ्रिलिंग गेम माय डियर सन, खेल कर देखो, नशा हो जाएगा। फिलहाल एक काम करो, कल ही विपिन लाल से माफी मांग लो। What? माफी? ओहो, बीमार होने पर कड़ी दवा लेते हो क्यों? बीमारी को खत्म करने के लिए ना। माफी इसलिए मांग लो जिससे आगे विपिन लाल से बदला ले सको, तभी समझूंगा तुम मेरे बेटे हो। जाओ जाओ, जो मैं कहता हूं करो। और सुनो, माफी मांगते वक्त तुम्हारा जो ह्यूमिलिएशन, जो अपमान होगा, उसे कभी मत भूलना, वही होगी तुम्हारी शक्ति। Thank you.
हाँ साहब। जयसिंह, विक्की पर कड़ी नजर रखना, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। अरे आप फिक्र मत करो साहब, जब तक हम जिंदा है छोटे साहब का अंकों को हाथ नहीं लगा सकता साहब। कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, मैं माफी चाहता हूं। विक्की ने माफी मांग ली, गुड। बहुत अपसेट है क्या? सुनो दुतिया, उसके लिए आज ही दिल्ली के लिए एक सीट बुक करा दो और मेरा नाम लेके बोलो कि दो चार दिन दिल्ली घूमा है। भैया, विक्रम भैया आए। विक्की, तुझे किसे कहा? ऊपर तुम्हारे कमरे में है। सुनो, बहुत उदास है, जरूर कुछ हुआ है। विक्की, कब आया तू? इसी फ्लाइट से। पिताजी कैसे? अब अच्छे। क्या हुआ, पिताजी से झगड़ा तो नहीं किया? विक्की बोल तो सही यार। झगड़ा हो गया था एक साले दलाल से। दलाल? हाँ दलाल, मजदूरों का यूनियन लीडर, अपने ही मिल का एक नौकर। इसलिए बंबई से भागा, एक नौकर से डर के? तेरा हाल उसी की तरह है, किसी ने बैठा और खुद ही रो रहा है, उठूंगा तू नीचे वाला मारेगा। स्टॉप इट। सॉरी। क्या हुआ? ए, बोल ना क्या हुआ? साला दो कौड़ी का आदमी नहीं, और मुझे उससे लिख के माफी मांगनी पड़ी। माफी? किसने कहा तुझे माफी मांगने के लिए? डैडी ने। एक वर्कर का हाथ छिल गया था मशीन में। टेल मी, वाज इट माय फॉल्ट? वाज इट माय फॉल्ट? ए, पता मुझे सब कुछ। चल इधर आ, इधर। फिर बस यार, इसी बात पर पांडे से, उस यूनियन वाले से तू तू मैं हुए। वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी और मुझे उससे माफी मांगनी पड़ी, और अब मुझे रोज ऑफिस जाना होगा और उस आदमी की शक्ल देखी होगी जिसके सामने मैंने अपनी नाक रगड़ी थी। बास्टर्ड, आई डिस्ट्रॉय हिम, सोमू मैं खत्म कर दूंगा उसे। आदमी खत्म करने के लिए कौन सा टाइम लगता है? किसी को 500 रुपए दो बस। नहीं सोमू, उसे मारना नहीं है मुझे, मैं उसे खत्म कर देना चाहता हूं, मिटा देना चाहता हूं। बोल तो क्या करूं? विक्की, मैं तेरे साथ बंबई जाना चाहता हूं। चलेगा? बोल, चलेगा तू? मुझे एक नौकरी देगी। इसकी फिक्र ना कर, कल ही मैं तेरे लिए एक एडिशनल मैनेजर की नौकरी कर लेता। नहीं, एक मजदूर की। What?